नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट अमेठी में भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से शिकस्त दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की है। रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को तकरीबन 4 लाख से अधिक वोटों से जिताकर संसद भेजा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट से भी 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है। मैनपुरी में डिंपल यादव ने जीत का स्वाद चखा। अखिलेश से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव जीती हैं। नतीजों में उलटफेर के बाद जेडीयू ने चला अपना दाव। जेडीयू ने बोला, नीतीश कुमार से बेहतर पीएम और कौन हो सकता है। भाजपा के खेमे में मची खलबली। नतीजों के बाद कल बुधवार को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, सभी सहयोगी दल रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा को सबसे बड़ा झटका देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में लगा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इंडिया गठबंधन से पीछे चल रही है। ऐसे में यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 70 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलने वाली भाजपा नतीजों में इंडिया गठबंधन से भी नीचे रह गई है। प्राप्त आंकड़ों तक इंडिया गठबंधन 40 सीटों के करीब खड़ी है, जबकि भाजपा 35 सीटों पर नजर आ रही है। ऐसे में जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसने बीजेपी को बहुमत से भी दूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीदों के उलट नतीजों का सामना करना पड़ा है। 400 सीटों का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी खुद सिर्फ 240 पर सिमटती दिख रही है, जबकि एनडीए भी 300 से नीचे ही दिख रहा है। बीजेपी कई प्रमुख राज्यों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बंगाल में एक बार फिर बीजेपी के साथ खेला हो गया है। देश के 3 प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को सपा कांग्रेस के हाथों मुंह की खानी पड़ी है, तो वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी के महायुति की हालत पतली कर रखी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और वो बमुश्किल दोहरे अंकों तक पहुंचती दिख रही है। ऐसे में जिस पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदें पाले बैठी थी, वहां ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी के साथ खेला कर दिया है। लोकसभा चुनावों में भाजपा नीत एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने मजबूत मुकाबला किया है, उसने बीजेपी के खेमे को परेशान कर दिया है। साथ ही भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत से काफी दूर रह गई है। इस बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने बताया कि इंडिया गठबंधन कल बुधवार को दिल्ली में एक बैठक करेगी। उन्होंने भाजपा पर तंज भी कसा। रकाम्पा एसपी प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत का अंतर बहुत कम है। शरद पवार ने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि आज चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार से कोई बात नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में तमाम एग्जिट पोल्स की पोल खोलकर रख दी, जिसमें विपक्ष को फिक्स एग्जिट पोल को लेकर भाजपा पर निशाना साधने का और भी मौका मिल गया है। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए थे, उनको देखकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित थे, क्योंकि इन एग्जिट पोल्स में पूरे देश में बीजेपी की आंधी दिखाई गई थी। कई एग्जिट पोल में तो भाजपा 400 का आंकड़ा भी पार करती दिख रही थी, लेकिन आज 4 जून को जब नतीजे खुले, तो जो आंकड़े सामने आए वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बीजेपी की 370 या एनडीए की 400 तो दूर, बीजेपी अकेले दम पर बहुमत तक हासिल नहीं कर पा रही है। ऐसे में एग्जिट पोल्स पूरी तरह से झूठे और गलत साबित हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से नेताओं द्वारा लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि जो रुझान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा 230-240 के बीच आ गई है, यानी उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अगर अब वे कोशिश करते हैं तो बैसाखियों की सरकार बनेगी, उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कांग्रेस द्वारा बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से विपक्षी नेता खुश हैं और भाजपा व पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर ही सवाल उठा दिया है।
लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के मजबूत मुकाबले के बाद अब नेताओं द्वारा सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से अपने ऊपर केंद्रित किया। प्रचार में मोदी की गारंटी, फिर से मोदी सरकार जैसे जुमले भाजपा शब्द से ज्यादा सुनाई दिए। यहां तक कि सांसद प्रत्याशियों को बायपास कर पूरा चुनाव मोदी की गारंटी के नाम पर चला। चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, समाज में बढ़ता तनाव जैसे मुद्दे गौड़ हो गए और केवल मोदी मोदी ही सुनाई देने लगा। प्रधानमंत्री ने संसद में अपने नेतृत्व में भाजपा के 370 और एनडीए के 400 सीटें पार करने का दावा किया। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ना तो भाजपा को 370 सीटें मिल पाएंगी और न ही एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपना नाम अब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से हटा लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए हुई मतगणना में मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने सभी को चौंकाया, जहां नोटा को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। इंदौर में नोटा के जबरदस्त प्रदर्शन ने यह साबित कर दिखाया है कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। इंदौर में नोटा को कुल 2 लाख से अधिक वोट हासिल हुए हैं। दरअसल इंदौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अप्रत्याशित ढंग से चुनावी नामांकन वापस लेकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी थी। बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने खाली मैदान है। इसके बाद कांग्रेस ने यहां बीजेपी को सबक सिखाने के मकसद से नोटा का प्रचार खूब किया और नोटा का समर्थन करने की मांग की थी। शायद यही वजह है कि लगातार हो रही मतगणना के राउंड में नोटा को जबरदस्त वोट मिले हैं। नोटा को बड़ी संख्या में वोट मिलना भारत में लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की आंधी चली है, जिसमें जगन मोहन रेड्डी की YSRCP उड़ गई। देश भर में लोकसभा चुनावों की मतगणना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों की काउंटिंग हुई, जहां चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP को प्रचंड बहुमत मिला। TDP अब यहां अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। हालांकि सूबे में TDP और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा है। इन रुझानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू ने फोन पर बात भी की। आंध्र प्रदेश में TDP 150 सीटों के करीब आगे रही, जबकि YSRCP और JNP 19-19 सीटों पर आगे है, तो वहीं BJP 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश के CM जगत मोहन रेड्डी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।